ये जो पटना में जून 21 तारीख से 23 तारीख तक यहाँ G20 के अंतर्भाग में लेबर 20 का एक शिखर सम्मेलन होने वाला है। ये लेबर 20 का शिखर सम्मेलन में मूलतः दो प्रमुख मुद्दों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। G20 का देशों में जो 20 देश है G20 का, और जो आमंत्रित देश 9 देशों में, कुल मिला के सभी देशों में लगभग 70% से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र का मजदूर है। जब हम बोलेंगे ये केवल मजदूर माने, फिजिकल लेबर नहीं है, समस्त वर्कफोर्स श्रम जगत के लोग है। इसके कारण क्या है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा दे, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य और ये जो है स्वास्थ्य और पेंशन की व्यवस्था हम लोग करें। इसी देशों का एक प्रमुख मुद्दा के आधार पर सभी लोगों को इस तरह का एक सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए ये प्रमुख मुद्दा है। इसी तरह का इसी के अंतर्गत में दे भारत के श्रम लोग, श्रमिक लोग या आपका कर्मचारी लोग अलग अलग देशों में जाकर काम करता है, वहां 10 साल 12 साल काम करने के बाद में भी इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा वहां देता है, फंड देता है, मगर जब मातृभूमि को वापिस आ जाएंगे उनके लिए कुछ पैसा नहीं मिलता है, सर्विस भी नहीं करता है। इसीलिए हम लोग इस श्रम जगत में इसका लेबर 20 में एक बड़ा मुद्दा उठा रहे, ये चर्चा होने वाले है। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कामगार जाते हैं देश भर में, उन लोगों का जो सामाजिक सुरक्षा का फंड जो है वो आने के बाद में हर देश में वापिस आए, इसको अंग्रेजी में पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड इस तरह का बोलता है। सो इसका एक मेजर थीम नाते सामाजिक सुरक्षा का एक चर्चा होगा। दूसरा मुद्दा है वुमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, महिला और भविष्य में श्रम जगत में जो जो बदलाव आ रहा है उसके आधार पर हम लोगों ने करना पड़ेगा। उसके आधार पर महिलाओं का कार्यस्थल में जिस तरह का सुरक्षा, उनके लिए समान वेतन की प्रक्रिया, और जो विषय जो है उनके लिए अलग अलग नया नया रोजगार की कल्पना, ऐसा कुछ विषय इसमें चर्चा आता है। जो नया तरह का जो औद्योगिक में बदल श्रम जगत में बदलाव आ रहा है, इसके आधार पर जो नया तरह का रोजगार भी सृजन हो रहा है और कुछ रोजगार भी चले जा रहे हैं, इस परिस्थिति में हम लोगों ने क्या करना है। कुल मिला के G20 देशों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के आधार पर बड़े बड़े उद्योग लाना चाहते हैं। 28 देश दुनिया के इसमें आने वाला है, चीन आने वाला है, रूस आने वाला है, ब्राजील आने वाला है, कनाडा आने वाला है, इजिप्ट आने वाला है, टर्की आने वाला है, बांग्लादेश आने वाला है, नेपाल आने वाला है, ऐसे 28 देशों के श्रमिक प्रतिनिधि और श्रम जगत के विशेषज्ञ वो आने वाले हैं। भारत के जो श्रम जगत के विशेषज्ञ आने वाले हैं, भारत के श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि आने वाले हैं, ऐसा सब मिला जुला करके 173 प्रतिनिधि 173 प्रतिनिधि 28 देशों से भारत सहित वो भाग लेंगे, और ये 21 तारीख को शाम से चर्चा शुरू हो जाएगी जी, और 23 की शाम तक जाएगी। 21 तारीख शाम को इस प्रदेश के जो श्रम मंत्री हैं सुरेंद्र राम जी, बिहार से सुरेंद्र राम जी, हाँ, बिहार के जो श्रम मंत्री हैं वो सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे। उनके स्वागत में एक डिनर का आयोजन होगा होटल मौर्या में, वो करेंगे। 22 तारीख को सवेरे उद्घाटन कार्यक्रम में इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल वो रहेंगे, भारत सरकार की श्रम सचिव वो कार्यक्रम में रहेंगी, आरती ओझा, मैडम आरती ओझा, आरती ओझा वो इस कार्यक्रम में रहेंगी। संध्या काल का जो एक बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें भारत सरकार के श्रम मंत्री रहेंगे श्री भूपेंद्र यादव जी। अच्छा, शाम में भूपेंद्र यादव जी, शाम को भूपेंद्र यादव जी रहेंगे डिनर में, एक उसको डिनर होगा बड़ा, जिसमें बिहार सरकार के भी प्रतिनिधि रहेंगे, केंद्र के भी रहेंगे, विदेश मंत्रालय के भी रहेंगे, और ये 172 जो ये 73 प्रतिनिधि हैं ये भी रहेंगे। ऐसा एक बड़ा इवेंट होगा। बिहार से जुड़े क्या क्या मुद्दे हैं?
नहीं बिहार, ये बिहार का मुद्दा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। उसमें स्वाभाविक रूप से बिहार भी जो प्रभावित होगा, जैसे बिहार का व्यक्ति को भी सामाजिक सुरक्षा चाहिए कि नहीं। अच्छा, रेडी पटरी वाले को, खोमचे वाले को, इन सबको, माइग्रेंट वर्कर को, डोमेस्टिक वर्कर को सामाजिक सुरक्षा चाहिए कि नहीं, तो वो उसमें प्रभावित होगा। इस पे बात होगी और इसका समाधान निकालना है। समाधान कैसे निकले उस पर चर्चा ज्यादा होगी। अच्छा, समाधान कैसे निकले इस पर चर्चा, इस पर चर्चा करेंगे। समस्या सबको समझ में आई है, समाधान क्या है? इस दौरान क्या श्रमिकों से जुड़े संस्थान जो है, अस्पताल आदि का भी दौरा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।